तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका बंटो सवाल। और आज हम देखते हैं कि लकड़ी कैसे बनाते हैं। लकड़ी बोलते हैं उसे। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं, कैसा उसका लेप बनता है। और चलिए बात करते हैं अपनी बहन से। तो आप देख सकते हैं गाइस, तो इसको पहले तो आप बताइए क्या कहते हैं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कहते हैं इसे? कहते हैं लकड़ी। लकड़ी, ठीक है। ये हम चीनी के पानी से भी बना सकते हैं और गुड़ के पानी से भी बना सकते हैं। इसे हम नॉनस्टिक तवे में भी बना सकते हैं और नॉर्मल तवे में भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मतलब कैसे कैसे इसका प्रोसेस होता है? इसे हम आटे से बनाते हैं। आटे का घोल बनाना है, ठीक है, और गुड़ का पानी जो होता है उसे मिक्स करना है। तो आपने कहीं मिक्स किया हुआ है? अच्छा, ये रहा, ये इसको कहते क्या है? इसको घोल बनाना है आटे का, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। देख लीजिए गाइस, इतना गाढ़ा होना चाहिए इसका घोल, तभी जाके प्रॉपर शेप लेगा। फिर क्या करते हैं? उसके बाद तवे को गर्म होने देना, ठीक है, और तेल डालना है। तेल को गरम करो। तेल कोई सा भी डाल सकते हैं, रिफाइंड सरसों, रिफाइंड हो तो अच्छा है। अच्छा, रिफाइंड है, मेरे पास सरसों का तेल है। तो थोड़ा सा तेल डालना है, ज्यादा नहीं डालना। उसके बाद इसमें ये घोल डाल देना है और इसे हाथ से फैलाना है, ठीक है, अच्छा फैलता है और पतला बनाना है, ठीक है। उसके बाद एक साइड से बनाना है, ठीक है, जब ये बन जाएगा पूरा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हल्का अभी बनानी है, वो अभी बनानी है, हल्का हल्का, कहीं कहीं पे गीला है, कहीं पे सूख गया है। तो जैसे सूख जाएगा, किनारे से निकालना, ठीक है। ठीक है, तो मैं एक दिखा देता हूँ आपको कि ये बना हुआ है। तो खाने में काफी स्वादिष्ट है, और अभी दिखाते हैं आपको कैसे इसका प्रोसेस है। आप भी अपने घर में बनाइए, बिल्कुल बनाइए, कहीं भी हो आप, कैसे भी हो, शहर में हो, गांव में हो, चूल्हा हो आपके पास या गैस हो, हर जगह बन जाएगा आसानी से। नई डिश है आप लोगों के लिए, या तो कई लोगों ने बनाई होगी शायद, या जिन्होंने नहीं बनाई वो सीख सकते हैं पूरा प्रोसेस। और आप देख सकते हैं इसको बड़े प्यार से, इसको चारों ओर से, इसकी जो परत है उसमें करची डाल के इसको पलटाया जाता है। अभी आप देखना कैसे पलटाते हैं ये। तो इस टाइप का हल्का जला हुआ भी तो बड़ा टेस्टी होता है, क्योंकि मीठा होता है, इसलिए जला हुआ भी अच्छा लगता है। जैसे जो बात खाते हैं हम मीठू है ना, तो बहुत टेस्टी। और कितना टाइम एक रोटी को, मतलब एक लकड़ी को बनने में लगता है? काफी गाढ़ा इसका घोल होता है, जिसके कारण इसको बनने में काफी कोई पतला भी बनाते टाइम लगता है। छोटा ही बना सकते हैं, जो आपको साइज पसंद हो आप उस टाइप से बना सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, बस बनने को रेडी है। कम से कम मुझे लग रहा है 5 मिनट लग रहा है इसको, क्योंकि थोड़ा मोटा है, और जितना पकेगा उतना अच्छा खाने में टेस्ट आएगा। और करारे करारे खाने का तो बात ही कुछ अलग है। आप देख सकते हैं, अभी आपको खाकर दिखाते हैं, आपको खाकर दिखाते हैं कैसा होता है। तो लेट्स सी। तो दोस्तों टेस्ट करते हैं कैसे होते हैं। वाओ, ऑसम, मज़ा आ गया। चाय के साथ तो और मज़ा आ जाता। चाय बना रहा हूँ, बन रही है चाय। तो ऐसे कुछ पहाड़ी घरेलू रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर वीडियो को ज़रूर करें, और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें। यार आपको मेरी वीडियो नहीं दिखती ना, इसलिए। तो मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ पहाड़ी लाइफस्टाइल में। आज भाई का जन्मदिन है तो इसलिए ये बनाए गए हैं। मेरा जन्मदिन था तो पकौड़े और सवाले बनाए गए थे, जिनको सवाले आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक जैसे पूरी होती है वैसे, उसमें बस गुड़ का पानी होता है, मीठा होता है, पूरी थोड़ा फीकी होती है और सवाले मीठे होते हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए यूके वाले के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय।